गोरखपुर महानगर में नौसिखिए वाहन चालकों पर यातायात पुलिस ने शिकंजा कसा है। बृहस्पतिवार को शहर के यातायात चौराहे पर एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद की अगुवाई में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बगैर लाइसेंस वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दर्जनों वाहन का चालान किया गया। साथ ही जिन वाहन चालकों के पास कोई भी पेपर नहीं पाया गया उनके ई रिक्शा को सीज किया गया। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने बताया कि शहर के प्रमुख चौराहों पर ई रिक्शा चालकों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिनके पास लाइसेंस नहीं पाया जा रहा है उन्हें भविष्य में बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उनके वाहनों का चालान किया जा रहा है। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक अजीत कुमार पांडे, यातायात उप निरीक्षक राम विरिच यादव सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर नी संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, देखिए गोरखपुर महानगर में आज ये अभियान चलाया गया। जो ई रिक्शा चालक हैं जिनके पास डीएल नहीं है, नाबालिग द्वारा ई रिक्शा चलाया जा रहा है, ये उन्हीं के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया है। अभी तक कितने ऐसे वाहन मिले जिनको पकड़ा गया? अभी तक लगभग 25 से 30 ई रिक्शा जो है कि जो पाए गए बिना डीएल के चलाते हुए मिले हैं। लगभग 200-300 ई रिक्शा चेक किए गए हैं जिसमें 20-25 बिना डीएल के पाए गए हैं। और ये अभियान आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि बिना डीएल के वाहन ना चलाएं, डीएल बनवा लें उसके बाद ही वाहन चलाएं। सर, अगर कोई नाबालिग बच्चा ई रिक्शा चलाते हुए पाया जाता है तो उस पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और कितने का जुर्माना लगाएंगे? देखिए, जो अगर कोई नाबालिग चलाते हुए पाया जाएगा तो उनके खिलाफ भी जो यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।